हर इंसान में कहीं ना कहीं इंसानियत बसी होती है। कई बार यह सोई हुई इंसानियत असंभावित ही अचानक ही किसी घटना से जाग उठती है। ऐसी ही एक घटना राजस्थान में देखने को मिली। राजस्थान की राजधानी जयपुर में चोरी का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। नमस्कार, मैं सुरक्षा और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। तो घटना है राजस्थान की, जहां पर सरकारी ऑफिसर महिला डॉक्टर अमृत कौर के घर में चोर रखे 50 तोले के सोने के जेवरात चोरी करके ले गए और 15 दिन बाद करीब 25 लाख रुपए की कीमत के जेवरात घर में फेंक कर चले गए। जयपुर में ऑफिसर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के घर चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया, जहाँ चोरों ने 25 अक्टूबर को घर के पीछे लगी जाली काट कर 50 तोला सोने के जेवरात चोरी करके ले गए। जब बीते रविवार को पीड़िता घर के बाहर निकली तो उन्हें 35 तोला सोने के जेवरात से भरा बैग घर के लॉन में मिला। इसमें चोरी किए गए जेवरात ही थे, मतलब जिन चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया वही इस बैग में जेवरात रखकर घर में फेंक कर चले गए। पीआरओ डॉक्टर अमृत कौर ने बताया कि 25 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे जब वह घर आई तो अंदर अलमीरा में सारा सामान बिखरा हुआ था। सामान चेक किया तो 50 तोले सोने के जेवर और 50,000 रुपए गायब थे, जिसके बाद उन्होंने गांधीनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। को शक है कि कौर के सफाई कर्मचारी और उनके सहयोगी कर्मचारी के जानकार दंपत्ति ने ही यह चोरी की है। गांधीनगर थाने के SHO राजकुमार ने बताया कि शनिवार को सफाई कर्मी और परिचित दंपति से रात 10 बजे तक पूछताछ की जा रही। उन्होंने कहा था कि तंत्र मंत्र से उन्होंने चोरों का चेहरा पानी में देख लिया है। उसके बाद तीनों संदिग्ध थाने में गिड़गिड़ाने लगे और फिर उसी रात जेवर फेंक कर चले गए। अब यह घटना सुनकर तो कुछ लोग यही कहेंगे कि प्रभु कभी चोरों से वास्ता ना पड़े, और पड़े तो ऐसे कि ईमानदार चोरों से पड़े। ऐसे ही दिलचस्प घटनाएं देखने के लिए बने रहे अर्थ प्रकाश टीवी के साथ। और अगर आपके मोहल्ले या शहर में भी कोई ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।